गुजरात के भावनगर लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में कांग्रेस प्रवक्ता नवजोत सिंह सिद्धू ने भावनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। सिद्धू यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार मनहर भाई पटेल के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और जमकर पीएम मोदी पर बरसे। सिद्धू ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि चौकीदार एक चोर है और राफेल की दलाली से करोड़ों रुपए की चोरी की है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं है बल्कि अंबानी अदनान के व्यवसाय विकास प्रबंधन के रूप में काम करते हैं। देश में किसानों का बुरा हाल है और बेरोजगारी अपने चरम पर है। दरअसल सिद्धू यहां एक रैली में पहुंचे थे, इस दरमियान जमकर निशाना साधा और ये तमाम बातें कही। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एक भावनगर लोकसभा निर्वाचन एक क्षेत्र है। भावनगर वैसे तो औद्योगिक इकाइयों और व्यापारिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर कताई बुनाई की मिलें और लौह कारखाना भी है। यहाँ की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो 1989 के बाद से यहाँ कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई। इसकी जगह पर बीजेपी 1991 से लगातार यहाँ से जीत का परचम लहराती रही है। 1991 से पहले यहाँ 9 बार कांग्रेस जीत दर्ज करा चुकी है जबकि बीजेपी यहां लगातार 7 बार चुनाव जीत चुकी है। भावनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। तालजा, पलिताना, भावनगर ग्राम्य, भावनगर पूर्व, भावनगर पश्चिम, गडादा और बोटाड। यहां से बीजेपी के भारती बनेशियाल अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रवीण भाई राठौर को 2,95,000 ज्यादा मतों से हराकर वर्तमान में सांसद हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज की रिपोर्ट।